इंटर मैट्रिक छात्रों की हो गई है बल्ले बल्ले। बिहार बोर्ड ने जबरदस्त खुशखबरी दी है 2023 में होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षार्थियों के लिए। आपको बता दें कि अगर आप भी 2023 में इंटर या मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिए और सभी को शेयर कर दीजिए। बहुत जबरदस्त अपडेट बिहार बोर्ड से अभी अभी जारी की गई है। आपको बता दें कुछ दिन पहले आपका अपडेट आया था जिससे छात्र जो थे बहुत उदास थे, क्योंकि अपडेट जारी ये किया गया था कि जो 2023 में मैट्रिक या इंटर की परीक्षा होगी उसमें पैटर्न को चेंज कर दिया गया था और बोला गया था कि जो 100 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे इस साल, अब जो है 100 ऑब्जेक्टिव की जगह आपको 60 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और उसके में आप 50 आंसर देने होंगे। इससे लेकर छात्र निराश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि 2 साल छात्रों को फायदा मिला और हम लोगों को वो फायदा नहीं दिया गया है। तो इसे देखते हुए बिहार बोर्ड यहाँ पे नया फैसला लेने जा रही है जो कि छात्रों के बिल्कुल हित में है, क्योंकि आपको बता दें कोरोना के केसेस जो है फिर से भारत में बढ़ने शुरू हो गए हैं और इस बार भी हो सकता है कि आपके स्कूल कॉलेज पे इसका असर पड़े, क्योंकि कोरोना केसेस बढ़ेंगे तो भले ही लॉकडाउन ना लगे लेकिन स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान पे इसका पहले गाज गिरता है और यही सबसे पहले बंद करा दिए जाते हैं। इससे क्या होगा कि ऐसा समय आ रहा है, तो इसे देखते हुए बिहार बोर्ड नया फैसला लेने जा रही है कि इस बार जो एग्जाम होगा मैट्रिक या इंटर का, जो पिछले साल का पैटर्न था जो इस बार एग्जाम में पूछा गया 2022 वालों को, ठीक है, जो 100 ऑब्जेक्टिव पूछे गए या 70 नंबर वाले में 70 ऑब्जेक्टिव पूछे गए, तो उसी तरीके से इस साल का भी पैटर्न जो है वो बिहार बोर्ड यहां पे लाएगी। यानी अब आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ यही नहीं, इसमें एक और भी राहत दी गई है, जो पिछले साल के छात्रों को दी गई थी वही छूट जो है इस साल के छात्रों को भी मिलेगी। यानी एक साल जो है एक्सटेंशन इसमें किया जा रहा है, यानी 2023 में जो परीक्षा देंगे उन्हें इसका फायदा मिलेगा लेकिन जो 2024 में देंगे उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा। यहां पे आपको बता दें कि 2023 वालों को और 22 वालों को एक और छूट दी गई थी कि जो ग्रेस मार्क्स थे पहले जो 7% और 6% दिए जाते थे, इस साल 10% तक ग्रेस मार्क्स दिया गया था कोरोना के कारण और वही फिर से यहाँ पे रिपीट किया जाएगा और बिहार बोर्ड फिर से यहाँ पे 10% ग्रेस मार्क्स देगी। यानी बिहार बोर्ड छात्रों को दोबारा राहत देती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या में कमी की बात कही गई थी, बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल वेबसाइट पे जिक्र नहीं किया था, सिर्फ एक न्यूज़पेपर में आया था और वो भी सिर्फ एक न्यूज़पेपर में दैनिक भास्कर में आया था, जिसके बाद ये वायरल हो गया था। तो इसीलिए बिहार बोर्ड यहाँ पे क्लियर करने जा रही है कि इस बार जो ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के बच्चे, आप सबके लिए एक धमाकेदार खबर। डॉटन के बारे में आप तो जानती होंगी, जहाँ कोई भी सवाल को स्कैन करके आप 5 सेकंड में अपने कोई भी सवाल का वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हैं। वही डाउटनेट इस बार बिहार में टॉपर्स की लड़ी लगा दी है। यहां पर रहे बच्चे रैंक 1, जी हां रैंक 1 के साथ साथ रैंक 4, रैंक 5, रैंक 7 और रैंक 8 हासिल किए हैं। इस जोश को कायम रखते हुए डाउटनेट ने अपने अगले बैच जिसका नाम है हासिल बैच लॉन्च किया है, जो कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। तो अगर आप कक्षा 10वीं या 12वीं बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आज ही जाइए और अपने आप को हासिल बैच के लिए नीचे दिए गए लिंक पर कर रजिस्टर करें, जहां 10 साल से अधिक एक्सपीरियंस टीचर की टीम आपको टॉपर बनाने में जी जान लगा देगी। तो जल्दी से जाइए और खुद को रजिस्टर कीजिए। या सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे उसमें वही पैटर्न फिर से अपनाया जाएगा। बिहार बोर्ड इसके लिए जल्द फैसला करने जा रही है और इसमें जो सेंटअप एग्जाम होंगे सेंटअप एग्जाम में और क्लियर हो जाएगा। जो पैटर्न सेंटअप एग्जाम का होगा वही पैटर्न जो है आपके फाइनल एग्जाम को दिया जाएगा। तो बिल्कुल बने रहे इस चैनल पर। जल्द इस चैनल पर फ्री क्लासेस शुरू की जा रही है 12th वालों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर से ज्वाइन कीजिए।